अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान ना है इतराम करने वाला है। देखते हैं आपको सुनते कौन को मोहम्मद इरफान की तरफ से सलाम कबूल हो। दोस्तों आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लाया हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है। दोस्तों आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आलू वाला पराठा। सबसे पहले हम इसका आटा गूंथेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह जल्दी जल्दी मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बात करें और इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। आटा गूंथने के लिए हमें जरूरत है एक गिलास मैंने पानी लिया है बिल्कुल नॉर्मल सा। दोस्तों थोड़ा सा दूध है, थोड़ा सा खुश्क दूध है, उसके बाद थोड़ी सी ये चीनी मैं डाल रहा हूँ उसके अंदर। उसके बाद दोस्तों एक अंडा जा रहा है, थोड़ा सा ये सॉल्ट यानी कि नमक जा रहा है। तो दोस्तों ये है मेरे पास फाइन आटा, ये फाइन आटा है मेरे पास, ये मैदा नहीं ले रहा, फाइन आटा ले रहा हूँ। बाउल ले लेंगे दोस्तों, बाउल के अंदर मैं ये थोड़ा सा ये दूध डाल रहा हूँ, तीन टेबलस्पून दूध है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर अंडा डाल रहा हूँ एक, उसके अंदर ये नमक जा रहा है और चीनी और खुश्क दूध डाल रहा हूँ। इसके बाद ये डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगा हाथ की मदद से। ये बनाने के बाद दोस्तों इसके अंदर हम फाइन आटा डाल रहे हैं, इसको अच्छी तरह हम गूंदेंगे। गूंदने के बाद उसको कवर करके तकरीबन कम से कम हम इसको एक घंटे के लिए वरना ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे के लिए इसको रखना पड़ता है, फिर ये अपने असल हालत में आता है। इसके अंदर पानी डालेंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा इसके अंदर मैं घी डाल रहा हूँ। अब दोस्तों इसको कवर करके अब मैं इसको ढक दूंगा जी। दोस्तों एक प्लेट ले लूँगा, उसके नीचे मैं ऑयल थोड़ा सा ग्रीस कर दूंगा, उसके बाद पेटे बना लेंगे छोटे छोटे। आग पे चढ़ा दिया, अब इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे। ये याद रहे कि पिशावरी पराठे का साइज छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो घी अप्लाई करेंगे, ये जो कच्ची साइड है। दोस्तों ये देखिए पक गया, अब इसको हम उतार लेंगे। अब तो जी दोस्तों ये देखिए मैंने पराठा काट लिया है, ये देखें इसको गार्निश के लिए रख रहे हैं। आपने इसको ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है इंशाल्लाह। इतना ज़बरदस्त पराठा आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं खाया होगा। आप इसके बल चेक करें इसके अंदर। मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, देखते रहिए मेरा फूड ट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।